हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे डिप्लोमा का जो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है बेटा, उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और आज हमारा पार्ट टू है। तो जिस बच्चे ने पार्ट वन नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ प्ले लिस्ट का, आप जाकर सबसे पहले पार्ट वन को देखिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम आप पास हो जाएं, है ना। अभी एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा और अपन को क्या होना है, पास होना है, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, वो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। देखो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किट है, ठीक है, यहां पर आपने एक बल्ब लगा दिया, है ना। अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होता है तो यहां पर आप देखोगे ये जो बल्ब है ये क्या करेगा बेटा, ये बल्ब आपका ग्लो करेगा, मतलब बल्ब आपका चलने लगेगा, ठीक है। अगर इस सर्किट में हम लोग थोड़ा सा चेंज करें, इस सर्किट में हम लोग क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें बेटा, है ना, बल्ब के आगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक ऐसा कॉइल लगा दें, ठीक, और यहां पर फिर से वही आपका बल्ब लगा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, कॉइल के वजह से ना, यहां पर कॉइल के वजह से क्या होगा, जैसे मान लो यहां से करंट जा रहा है, यहां से आपका करंट जा रहा है बेटा, ठीक है। तो जब ये करंट कॉइल से पास होगा ना, तो यहां पर क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। और जब जब आपका करंट चेंज होगा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर एक और करंट पैदा होने लगेगा बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर ये जो वर्ड है ना, सेल्फ मतलब क्या, खुद से। करंट ने क्या किया बेटा, खुद से एक और करंट को जन्म दिया है। करंट ने क्या किया बेटा, खुद से एक और करंट को क्या दिया है बेटा, जन्म दिया है यहां पर, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट। बोलोगे सर समझ में नहीं आया, है ना, बोलोगे सर आप समझ में नहीं आया बेटा, फिर से मेरी बात को आप समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, आप एग्जाम में लिख के भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं समझाने का, फिर से समझिएगा बेटा। जैसे मान लो कि यहां पर एक ये कॉइल है, ठीक है, ये बल्ब जैसा था उसको वैसे रहे, तो अगर आप यहां से इस कॉइल में अगर आप करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है बेटा, एक बात समझना, जब भी करंट किसी कॉइल में फ्लो होता है, ठीक है, तो यहां पर जनरेट होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जनरेट होता है बेटा? आपका जनरेट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। चले, तो अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉइल है बेटा, तो करंट यहां पे ज्यादा इंटेंसिटी में आपका फ्लो कर रहा है, तो करंट के वजह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, जनरेट होगा। और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जनरेट होता है, जो हमारे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। जब हमारे खुद के करंट के वजह से एक और करंट का क्या हो, जन्म हो, जब हमारे खुद के करंट के वजह से एक और करंट का जन्म हो रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, तो जब हम लोग करंट देते हैं तो क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए ठीक है सर। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप समझना, बड़ा अच्छा चीज है। जैसे दो लोग जा रहे हो घूमने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दूसरे के पास है, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करते होगे कि यार हमारे पास थोड़ी ना है, दूसरे के पास तो है ना। तो यहां पर भी समझो बेटा सेम केस है। सेम केस क्या है कि मान लीजिए एक कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक, और अगर इस कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं, इस कॉइल में अगर हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं, तो आपको पता है कि जब कॉइल में करंट फ्लो होगा
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो भैया ये मान लो कि ये कॉइल ए है, ये क्या है बेटा, कॉइल ए है। ठीक है, यहां पर हमने एक कॉइल दिया, कॉइल में करंट हमने फ्लो करा, तो बेटा कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो वहां पर क्या जनरेट होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अगर इसी के ठीक पास में एक और कॉइल हम लगा दें, इसी के ठीक पास क्या करें बेटा, एक और कॉइल अगर हम लगा देते हैं ना, ठीक है, अगर इसी के पास हम एक और कॉइल भी लगा देते हैं, तो इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से यहां पर भी क्या होगा बेटा, आपका करंट जनरेट हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका करंट जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर देखना कि कॉइल ए और कॉइल बी का कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कॉइल ए में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो जब कॉइल ए में करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से अगर सामने वाले कॉइल में अगर करंट जनरेट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलो, या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हो कॉइल का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो कॉइल का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। जैसे मान लो बेटा सामने वाले घर में गाना चल रहा, डाना डाडा डाडा नाच गाना चल रहा है ना, आपको भी आवाज आएगी तो आप भी नाचोगे, तो गाना तो वहां चल रहा है ना, समझ लो यही कहानी यहाँ पे भी, कि करंट इस वाले कॉइल में क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब इस वाले कॉइल में फ्लो हो रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है बेटा, और इस वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से, इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से इस वाले कॉइल में क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर होता है ना बेटा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, ये इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, देखो बेटा ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर क्या है बेटा, एक डिवाइस है जिससे हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। आपने देखा होगा यार ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर का ये काम है कि ये वोल्टेज को क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है ना। आप लोग घर में जो स्टेबलाइजर यूज करते हो ना, उसके अंदर भी एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम ये है कि वोल्टेज को क्या करता है बेटा, वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो चलिए बेटा थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया बेटा कि अगर कहीं सी में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट। क्या जनरेट होता है बेटा, इंड्यूस्ड करंट। तो देखो बेटा सब सर्किट एम ही हुआ, दूसरे सर्किट में नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब खुद में ही खुद को ही चाकू मार लो आप, है ना। तो यहां पर बेटा जो करंट था उसने अपने दुश्मन को खुद पैदा किया, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या था बेटा, अलग था, है ना। अगर हम लोग बात करें सेल्फ इंडक्टेंस का, तो यहां पर आप देखो कि यही कॉइल है, इसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और इसी कॉइल में इसके उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हुआ, मतलब इसी करंट ने इंड्यूस करंट को क्या दिया, जन्म दिया, इसी सर्किट में ये हो रहा है ना, इसलिए इसको बोला गया सेल्फ। लेकिन जब हम लोग म्यूचुअल की बात कर रहे थे, तो इस वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस वाले कॉइल में करंट आपका जनरेट हो रहा था, तो इसको हमने क्या बोला, म्यूचुअल। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहां चेंज हो रहा लेकिन करंट वहां पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बेटा आपको मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, देखिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए, आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए बेटा, क्योंकि हम लोग दोनों चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में सेल्फ इंडक्शन पूछा जाए, चाहे सेल्फ इंडक्शन बोले इंडक्टेंस बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, तो आप ये लिखोगे, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या सेल्फ इंडक्टेंस बोलो, इंडक्शन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों का नाम सेम होता है, चाहे इंडक्शन बोलो या सेल्फ इंडक्टेंस बोलो। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए इसको आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले नोट कर लीजिए। ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, एक काम करो ना, नाम चेंज कर लो आप लोग, स्लैश में लगा दो।
ठीक है, इंडक्शन बोलो या इंडक्टेंस बोलो, ठीक है बेटा। चलो तो देखो यहाँ पे कॉइल वन है, इस कॉइल वन के वजह से इस कॉइल टू में क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस फिगर को बना लेना, अगर ये आपको दिक्कत लग रहा है तो ये वाला फिगर जो मैंने बनवाया था वो भी आप बना सकते हो। इसके लिए आप ये वाला फिगर भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, मैंने ऐसे बनाया और इस वाले में क्या है बेटा उल्टा बना, तो चलो मैं इसको ठीक भी कर सकता हूँ, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना, उजाला सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। ठीक है, ये आपका कॉइल बी। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्शन बोलो या इंडक्टेंस बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, है ना, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिख लो, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, थोड़ा पीछे करो क्या, रुक जाओ बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, मत पूछो। ठीक है, ये आपका हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन बोलो या इंडक्टेंस बोलो, बात वही है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका फिगर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, इस वर्ड में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, फिर आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलो या इंडक्टेंस बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम वर्ड है। ठीक है, चलो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये फिगर आप बना सकते हो। ठीक है, ये वाला फिगर भी अच्छा लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे लिख देते। ठीक है बेटा, चलो ये ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। ठीक है, तो वो एक तरफ कॉइल रहता है, दूसरी तरफ भी कॉइल, एक तरफ करंट देता है, दूसरी तरफ अपने आप करंट क्या होता है, जनरेट हो जाता है, है ना। ये मैंने आपको बताया था ना कि करंट तो यहां पर फ्लो हो रहा था, लेकिन इसके वजह से यहां पर भी क्या हो रहा है, करंट का जनरेशन हो रहा है, क्योंकि करंट तो हम लोगों ने इस वाले सर्किट में फ्लो करा था, तो करंट जब इस वाले सर्किट में था तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो यहां पर जनरेट हुआ था, आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो यहां पर जनरेट हुआ था, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से फिर यहां पे करंट क्या हो गया बेटा, आपका जनरेट हो गया। देखो, ट्रांसफार्मर में यही होता है कि आप अगर इस वाले में करंट दोगे ना तो इस वाले में ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट आपका जनरेट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ट्रांसफार्मर पूछता है तो आप ये वाला बना सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दिया। चलिए बेटा, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ध्यान देना कि जब आपसे एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पूछेगा ना, तो आपको यहाँ पर पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख देना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, ये वाला पूरा आपको उठाकर लिख देना, ये यही आपका प्रिंसिपल भी, यही आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर भी है। तो ध्यान देना कि अगर आपसे एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पूछता है तो आपको यही उठाकर लिख देना है पूरा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, यही म्यूचुअल इंडक्शन ही है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, अब मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए, अब तीन चीजें हो गई बेटा, एक आपका हो गया ये सेल्फ इंडक्शन, जिसको इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल, देखो म्यूचुअल आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर भी है, तो ये आपका समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिगर आप याद कर लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम में आएगा, क्योंकि अगर म्यूचुअल इंडक्शन ना पूछे और आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ ले तो फिर भी तो आपको यही आंसर लिखना है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर यही है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलो ये आपका ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन और ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप पूरा यहाँ पे लिख देना। ठीक है, चलिए तब तक अपन ने और अपनों का ख्याल रखिएगा, है ना, इंडक्टेंस और इंडक्शन में कंफ्यूज मत करना, दोनों सेम चीज है। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।